सुना था सबसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है, बर्फ़ बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, पर भगवान की दया से मैं अभी अभी शेषनाग जी पे पहुँचा हूँ और बहुत बढ़िया यात्रा रही। थकान ज़रूर हुई है लेकिन मज़ा आ गया बाबा के आशीर्वाद से। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा और सब लोगों को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही आनंद आया और बहुत मज़ा आया। सारी जो थकान है वो शेषनाग जी आके दूर हो गई है। सही में कश्मीर जन्नत है। मैं बहुत घूमा हूँ, हिमाचल बहुत घूमा हूँ, उत्तराखंड की तरफ बहुत घूमा हूँ, लेकिन जिसे कहा जाता है जन्नत है कश्मीर, भारत की जन्नत है, धरती पर जन्नत है, सही में यहाँ आके महसूस होता है कि कश्मीर जन्नत है। ये ऐसी जगह है यहाँ पे आके भगवान का जो आशीर्वाद है, अच्छी हवा, अच्छा पानी, उसका नज़ारा देखने को मिलता है। ये हमें कुछ दिन के लिए मिल रहा है क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं, वापस अपनी ज़िंदगी में वही ख़राब पानी, ख़राब हवा में चले जाएँगे, पर अभी बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहला ट्रेक है, नीचे से चंदनवाड़ी से अभी शेषनाग तक पहुंच गए, 11 किलोमीटर हम लोग ट्रेकिंग करके ही आए। इतना सुंदर लगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इतना चढ़ाई है, उतराई है, फिर पीछू टॉप में इतना सुंदर ग्रीनरी मिला, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। अगर नहीं आती तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता। हेलीकॉप्टर में अगर जाती तो सिर्फ ऊपर से ही नज़ारा दिख पाते, लेकिन अभी हम लोग चल के आए, सभी बाबा का कृपा है। बाबा ही हम लोग को इतना दूर अभी भी लेके आए। अभी भी हम लोग एकदम सुस्त है और आगे तक भी हम लोग चले जाएंगे ऐसे ही। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जैसे कि सदियों साल पुराने बाबा हिंगलाज बर्फ़ों से चलती आती है, इसी तरह से इस बार हमने भी मन बनाया और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चले आए। हम अब शेषनाग से आगे पार करते हुए गणेश टॉप की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही हमें देखते हुए सुंदर सुंदर नज़ारे, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे बर्फ़ है, सुंदर सुंदर बर्फ़, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, इतने सुंदर, और हर जगह फोर्स, आर्मी, ITBP हर जगह मिलेंगे, हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे लिए सोल्जर्स, आर्मी खाली हो, कोई भी ऐसे। आप यहाँ अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं और बिल्कुल सेफली कर सकते हैं, ना तो हमें कहीं खाने की दिक्कत आती है, नहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लंगर यहाँ पर हर पूरी इंडिया में ऐसा कोई सा स्टेट नहीं होगा जिसने अपना लंगर नहीं करा। लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, करनाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, अप्रोक्सली मतलब 20 तो लंगर मैंने ही देख लिया अदर स्टेट से। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पे आके, एंड यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है और मैं फर्स्ट टाइम बाबा के दरबार में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नेचर मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत बहुत अच्छा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगी, हर साल आना चाहूँगी।